और रिव्यूज फेल्योर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन सराफ और आप हैं हमारे चैनल आर एडिशन। वीडियो के टॉपिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एबीएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले से मेरा बाइक, जब मैं राइड करता था तो चलते चलते अचानक से एबीएस फेल्योर शो करने लगता था और स्पीड भी जीरो हो जाता था। बट जैसे ही मैं फिर ऑफ करके ऑन करता था की को, तो फिर एबीएस काम करने लगता था कुछ दूर के लिए, फिर ऑफ हो जाता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एबीएस में हो क्या गया है कि काम करता है कुछ दूर, उसके बाद फेल हो जा रहा है। तो मैं फिर इसे पटना लेकर गया सर्विस सेंटर। तो वहाँ पर सर्विस सेंटर में पूरा उन्होंने अच्छे से जितना भी वो चेक कर सकते थे तो चेक किए और बोले कि भाई इसका एबीएस सिस्टम फेल है, आपको एबीएस इसका चेंज करना पड़ेगा। और जब मैंने प्राइस पूछा तो दोस्त, प्राइस सुन के क्या बोलूँ, मतलब मैंने इसका प्राइस पूछा तो प्राइस जान के दोस्त मेरा, तो मैंने तो सर ही पकड़ लिया कि अरे वाह, इसका प्राइस लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये का उन लोगों ने बताया मुझे। और मुझे तो मतलब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस समय कि अब तो लगा यार इसमें 20 हज़ार तो गए अपने। तो फिर जब ये हाइड्रोलिक पे चढ़ा हुआ था तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने नोटिस किया, खैर ये चीज़ मैं यहाँ पे भी नोटिस कर लिया था घर पे ही, क्योंकि जब जब मुझे एबीएस फेल्योर आता था मैं इसके आगे और पीछे दोनों एबीएस प्लेट ये सब सेंसर चेक कर रहा था कहीं इसमें कट तो नहीं लग या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल, ये वाला प्लेट एबीएस प्लेट थोड़ा सा बिल्कुल बेंड था। मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे कहीं दिख जाएगा आपको, बिल्कुल जरा सा बेंड था। तो मैं इसको इग्नोर करता था, मैं सोचता था इससे थोड़ी कुछ होगा, ये पहले से ही होगा या फिर, मैंने उसे ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बोला हो सकता है इससे भी हो, आप चेंज करवा लो। लेकिन वहाँ पे कहीं भी मुझे मिला नहीं एबीएस प्लेट। तो फिर मैं मुजफ्फरपुर लेकर गया बाइक को, तो वहाँ पे उन्होंने देखा इसे, मैंने अपना प्रॉब्लम बताया ऐसा ऐसा होता है। तो वो शायद इस चीज़ को पहले भी कर चुके थे किसी और बाइक में, देख चुके होंगे। तो उन्होंने ये व्हील निकाली, इसमें से एबीएस प्लेट निकाला और वहाँ पर नहीं था एबीएस प्लेट, तो उन लोगों ने उस लेथ में लेकर गए और उसे प्लेट को सीधा करवाया और फिर लाके लगा दिया और मेरा एबीएस बिल्कुल काम करने लगा अच्छे से। तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब कहाँ 100 रुपये लेथ में मुझे 100 रुपये देने पड़े सीधा करवाने के, और कहाँ यहाँ पे 20 हज़ार रुपये मुझे पड़ते हैं एबीएस पूरे सिस्टम को चेंज करने, मतलब 200 गुना मेरा पैसा बच गया उस दिन। तो दोस्त इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर बाइक आप रखे हो ऐसा तो थोड़ा बहुत आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बाइक में। अगर आप पूरे के पूरे सर्विस सेंटर के भरोसे रह गए दोस्त तो आप बर्बाद हो जाओगे, समझे, इतने पैसे जाएंगे आपके कि आप सोच नहीं सकोगे। तो ये चीज़ होने के बाद मैं दिमाग, मतलब मैं सोचा कि ऐसा होगा कैसे। तो मुझे याद है कि मैं एक लोकल टायर के शॉप में मैं इसमें लिक्विड डलवाने के लिए मैंने बाइक दे दिया था उसे, तो शायद उसी ने कहीं गलती से इस पर हथौड़ा या फिर कुछ उसका पड़ गया होगा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा। और वैसे ये बहुत ही कमज़ोर है, मतलब काफ़ी ये वीक है, अगर आप चाहो तो आप हाथ से मोड़ सकते हो इसको, काफ़ी कमज़ोर था ये। और तो शायद इसके कारण ये ज़रा सा भी पड़ने पे ये ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने बताया मुझे कि इसका जो एबीएस प्लेट और जो एबीएस का जो सेंसर होता है उसका एकदम जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है, अगर ज़्यादा क्लोज भी आ जाएगा तो फेल शो करेगा और ज़्यादा दूर भी चला जाएगा तो फेल शो करेगा। तो अगर आपका बाइक में एबीएस फेल्योर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले एक बार आप इसका एबीएस प्लेट और एबीएस सेंसर दोनों चेक कर लो, कहीं कट लग गया हो या बेंड हो गया हो तो उससे शायद वो बन सकता है ये चीज़। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।